अगर आप सरकारी कर्मचारी थे और रिटायर्ड हुए हैं तो फोन पर किसी नकली ट्रेजरी अधिकारी को अपने बैंक की डिटेल या फिर सर्विस लॉग बुक की जानकारी बिल्कुल भी ना दे, नहीं तो आपके बैंक खाते में सेंध लगाकर सारी जमा पूंजी चंद सेकंड में गायब हो जाएगी। प्रयागराज पुलिस की साइबर क्राइम यूनिट की गिरफ्त में खड़े झारखंड का अब्दुल मतीन, पश्चिम बंगाल का अंकित कुमार, बशारत अंसारी, कोलकाता का जिशान हुसैन और विजय प्रसाद, ये लोग नकली ट्रेजरी ऑफिसर बनकर सरकारी रिटायर्ड कर्मचारियों की डिटेल लेकर उनको फोन करते थे। उसके बाद उनको विश्वास में लेकर एक ऐप लोड कराते, फिर उसका ओटीपी हासिल करके उनके बैंक अकाउंट का सारा पैसा अपने खाते में ट्रांसफर करा लेते थे। प्रयागराज की साइबर क्राइम टीम ने बारीकी से जांच की तो इनका सारा खेल खुल गया और पांचों आरोपी पकड़ लिए गए। मुकदमे पंजीकृत थे, उनमें पुलिस पेंशनर जो रहते थे, रिटायर्ड पुलिसकर्मी, उनको ट्रेजरी अफसर बनकर लोग अनजान कॉल आती थी और कॉल करने के बाद वो उन पर ऑनलाइन बैंकिंग एक्टिवेट करा के और मोबाइल का रिमोट एक्सेस ऐप के थ्रू एक्सेस ले लिया करते थे और उन खाते में जो भी रकम होती थी वो इनके द्वारा विभिन्न विभिन्न खातों में ट्रांसफ़र कर दी जाती थी साइबर ठगों द्वारा। इस गैंग पे हमने काम किया, टेक्निकल एनालिसिस किया, फाइनेंशियल जो अकाउंट स्टेटमेंट थे उनको एनालिसिस किया और उन जिन खातों में पैसा गया उन खातों से जो ट्रांजेक्शन जिस तरह से हुआ उस ट्रेल को पकड़ते हुए हमने एक अपराधी को पकड़ा पहले और उस अपराधी को पकड़ने के बाद जो उसके और साथी थे जो इस गैंग में शामिल थे उनको पकड़ा है। तो इस तरह से जो हमारे यहाँ जो कुल मिला के 30 लाख की ठगी थी ये पुलिस पेंशनरों से, उनका ये गैंग है जुड़ा हुआ जिसमें कई लाखों की रिकवरी, मतलब कुछ लाख की रिकवरी इनके खातों में फ्रीज करा के की जा रही है और बाकी प्रयास। पुलिस ने इस संबंध में दर्ज मुकदमे की जब जांच शुरू की तो इनके काम करने का तरीका भी पता चला। दरअसल ये लोग ट्रू कॉलर में अपना नाम ट्रेजरी ऑफिस के नाम की आईडी बनाते, फिर ओपन सोर्स से उस सरकारी कर्मचारी के सर्विस और रिटायरमेंट अवधि के बारे में पता करते, फिर रिटायर्ड कर्मचारी को फोन करके ये सब बताते तो लोग आसानी से इनके झांसे में आकर इनके कहे मुताबिक ऐप लोड करके ओटीपी इन छात्रों को दे देते थे और पल भर में रकम इनके अकाउंट में आ जाती थी। पुलिस की जांच में ये भी खुलासा हुआ है कि इन छात्रों और इनके गैंग के लोगों ने 200 के आसपास इस तरह का फ्रॉड किया है। साइबर क्राइम से बचाव के लिए सबसे बड़ी बात ये है कि कोई भी ऑनलाइन इस तरह की एक्टिविटी होती है, कॉल आती है या कोई भी मैसेज आपके पास आता है तो हमेशा उसकी सत्यता की पुष्टि करना आवश्यक है। बिना सत्यता की पुष्टि कर लेके अनजान कॉल को, अनजान मैसेज को, अनजान लिंक को आप बिल्कुल इंटरटेन न करें, इससे बचाव का सबसे बड़ा तरीका है। अगर बाय द वे कोई ऐसी घटना घटित हो जाती है तो 1930 हेल्पलाइन नंबर है ऑल ओवर इंडिया इंटीग्रेटेड और www.cybercrime.gov.in। इन पांचों आरोपियों की गिरफ्तारी में साइबर थाने के इंस्पेक्टर राजीव तिवारी, एसआई अनुज तिवारी, एसआई राघवेंद्र पांडे सहित साइबर क्राइम के कई लोग शामिल थे। इस दौरान पुलिस ने कई मोबाइल फोन, कई एटीएम कार्ड भी बरामद किया है।